नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलैब क्लासेज झांसी में। मेरा नाम है जय चतुर्वेदी और आज आपकी क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज की क्लास होने वाली है। क्वाड्रिलेटर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज, चतुर्भुज में आपके सारे के सारे आएंगे। आपका रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, आपका सम चतुर्भुज भी आएगा, आपका विषम चतुर्भुज भी आएगा, सारी चीज़ें इसमें, आपका जो समलंब होता है, सारे के सारे आपके इसी सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं। किसमें? क्वाड्रिलेटर में। और अभी तक मैं आपकी ज्योमेट्री की जितनी भी क्लासेस ले चुका हूँ वो आपने नहीं देखी हैं, जल्दी से जाके क्लासेस को देख लीजिए। सारी क्लासेस को डिटेल्स में विद क्वेश्चंस करवाया गया है। पहले आपको डिटेल में थ्योरी करवाई गई, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए चलें आगे। फिर इसमें क्या है, हम क्या करने वाले हैं? क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटरल यानी कि आपका क्या? चतुर्भुज। चतुर्भुज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखें। अब चतुर्भुज क्या होता है? बेसिकली चतुर्भुज ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति या चार लाइनों से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज की आप डेफिनेशन देखेंगे कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी क्या कहलाती है? चतुर्भुज। घिरी हुई आकृति चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटर कहलाती है। समझ में आ गया? चतुर्भुज में आपका क्या हो जाएगा? चतुर्भुज जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? चतुर्भुज में आपके जितने भी चतुर्भुज है, इसमें आपका स्क्वायर भी आ जाएगा, इसमें आपका रेक्टेंगल भी आ जाएगा, इसमें आपका चतुर्भुज भी आ जाएगा, आपका सम चतुर्भुज, आपका समांतर चतुर्भुज भी आ जाएगा, और इसी में आपका क्या? समलंब भी आ जाएगा। इसमें आपका समलंब भी आ जाएगा। समलंब क्या होता है? इस तरीके से इसी में आपका समलंब भी आ जाएगा। ये सारे क्या हैं? आपके चतुर्भुज के उदाहरण हैं। चतुर्भुज क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ये भी आपका क्या है? चतुर्भुज ही है। इस तरीके से तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी चतुर्भुज कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए। आगे बढ़ें। चलिए आगे क्या है? अब चतुर्भुज को हम एक एक करके सारे चतुर्भुज के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जिस चतुर्भुज के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका रेक्टेंगल। क्या है आपका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है आपका? आयत। रेक्टेंगल होता है आपका आयत। अब आयत क्या होता है? आयत ऐसी आकृति या यूं कहें आयत में आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। आपकी रेक्टेंगल की आप परिभाषा देखेंगे, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर या यूं कहें पैरेलल बराबर एवं समांतर होती हैं आयत में, ठीक है। या ऐसे ही आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, समांतर हो तथा भुजाओं के बीच भुजाओं के बीच 90 डिग्री का आपका कोण बन रहा हो, भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा हो,
आयत क्या होता है आपका? आयत ऐसी आकृति, ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति जिसमें आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो तथा उनकी एंगल यानी कि चारों साइड्स के बीच में एंगल कितना हो आपका? 90 डिग्री। आपका आयत क्या होता है? आयत होता है आपका इस तरीके से। ये क्या है आपका? आयत। ये क्या है आपका? आयत है। इसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? ये बराबर होती हैं और आपकी ये समांतर होती हैं। यदि ये वाली भुजा L है, ये भी आपकी L होगी, ये B है, ये भी आपकी B होगी। ये होता है आपका क्या? रेक्टेंगल। ये होती है रेक्टेंगल की बेसिक डेफिनेशन। अब आगे देखेंगे रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे आगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया? एक रेक्टेंगल बना लिया। ये है आपका रेक्टेंगल। इसमें ये भुजा हो गई आपकी L, ये हो गई B। यानी कि लंबाई इसकी क्या हो गई? L हो गई और चौड़ाई हो गई इसकी B। किसी भी रेक्टेंगल की इसमें क्या सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट डाल के? एरिया। यानी कि रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई है आपकी लेंथ इंटू विड्थ। एरिया क्या होगा? L इंटू वी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो गया एरिया। इसके बाद एरिया के बाद क्या होगा? इसमें यदि इसका डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल क्या होता है? विकर्ण। डायगोनल क्या होता है? विकर्ण। जब इसमें हम विकर्ण निकालेंगे, ये हो गया आपका विकर्ण, तो हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल है जिसमें ए सी क्या है? ए सी क्या है यहाँ पे? विकर्ण है। ए सी आपका क्या है? विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल की वैल्यू आपकी क्या आएगी? यानी कि विकर्ण क्या यूं कहें? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है आपका? देखिए ये क्या है आपस में, मैंने क्या बताया, यानी कि बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये क्या रहेगी? इसमें रहेगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो आपका ए सी जो आपका डायगोनल होता है वो होता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? इसका डायगोनल होता है। फॉर्मूले है सर, देखते जाइए। इसके बाद फिर देखेंगे हम आयत का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। आयत का पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होता है आयत का? आयत का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग क्या होगा आपका? 2L+V। चारों भुजाएं क्या होगी? L+L और B+B, यानी कि 2L+B। ये हो गया इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। पॉइंट्स एक पॉइंट्स बना के लिख लीजिए, यानी कि एरिया, डायगोनल एंड इसका पेरीमीटर। क्या होता है? एरिया होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, डायगोनल होता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 2L+B। ये हो गई जो आपको सबको पता होगा। अब जो हम थ्योरम जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं उसको देखिए। यदि आपका कोई रेक्टेंगल है, यदि आपका आपका क्या है, ए कोई रेक्टेंगल है, इसमें आपका कोई पॉइंट ए है, इधर हमें नहीं पता कोई पॉइंट, मैंने मान लिया ओ। ये आपका यदि कोई ओ पॉइंट है, आपका ओ पॉइंट फिक्स नहीं है, आपका ओ पॉइंट कोई ऐसा नहीं है कि ये बीच में है, ये कहाँ पे, कहीं भी है रेक्टेंगल में, किसी भी रेक्टेंगल में ए आपका कोई पॉइंट ओ है। तो इस पॉइंट को जब हम ट्रायंगल, जब भी रेक्टेंगल के शीर्ष से मिलाएंगे सारी भुजाओं को इस तरीके से, ठीक है, सारी भुजाओं को हम इससे मिला देंगे, जब इससे इसको मिला दिया, ये क्या हो गया, तो हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये वाला पॉइंट क्या है आपका? ओ। ये क्या है आपका? ये आपका एनी पॉइंट, यानी कि एनी पॉइंट कोई भी आपका पॉइंट हो, किसमें, रेक्टेंगल के अंदर आपका कोई भी पॉइंट हो, तो आपकी जो थ्योरम होती है, यहाँ का जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जब भी एक आपका कोई पॉइंट होगा तो ओ से इसकी डिस्टेंस और इसका स्क्वायर, यानी कि आपका देन जब आपकी वाली कंडीशन हो तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर होता है आपका ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर।
को आप याद रखेंगे। जब भी किसी रेक्टेंगल के अंदर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट आपको दिया गया होगा, जब भी कोई पॉइंट आपको दिया गया होगा, तो आपका ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ओ क्या है आपका एनी पॉइंट। आगे बढ़े, चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी। अगली प्रॉपर्टी है यदि आपका ए क्या है, कोई रेक्टेंगल है, ये है आपका रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, किसी भी रेक्टेंगल में, इसको हमने मान लिया रेक्टेंगल है आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर हमने क्या किया रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से क्या मिड पॉइंट ए हो गया, इधर से चारों भुजाओं के मिड पॉइंट आपस में क्या कर दिए, चारों भुजाओं के मिड पॉइंट आपस में ऐड कर दिए, यानी कि चारों भुजाओं के मिड पॉइंट आपस में जोड़ दिए इस तरीके से। चारों भुजाओं के मिड पॉइंट दिए, उनको आपस में क्या कर दिया इस तरीके से ऐड कर दिया। ये देख, काफी डिटेल में समझने वाले, बिल्कुल भी आपको धीमे धीमे चलेंगे, सारी चीजें आपको डिटेल में समझने चलना है कि हम क्या बताने, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपकी ज्योमेट्री इस तरीके से हो जाएगी कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमने मान लिया पी क्यू आर एस, हमने क्या किया ए बी, ए बी सी डी आपका क्या है, ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है, उसके हमने मिड पॉइंट को आपस में क्या कर दिया, उनके मिड पॉइंट को हमने आपस में ऐड कर दिया। अब इसके एक बार डायगोनल निकालेंगे जिससे कि आप ठीक तरीके से समझ पाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए दोनों डायगोनल निकाल लेंगे, ये हमने क्या करी, ए हो गया आपके डायगोनल। अब क्या गया, देखिए आपका एसी और डीसी, एसी और डीसी यहां पे जो है ना, जो मैंने आपको बताया था इधर, ये विकर्ण जो आपस में होते हैं, यदि इनको हम मिला दें, यदि दोनों विकर्ण को हम निकाल दें इस तरीके से, तो आपस में विकर्ण क्या होते हैं, यदि इस पॉइंट पर काट रहे हैं तो दोनों विकर्ण की बीच की दूरी क्या होती है, दोनों बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि आपका एओ बराबर यहाँ पे क्या होता है, ओसी होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, यदि आप विकर्ण काटेंगे तो ओए बराबर ओसी और ओडी बराबर आपका ओबी हो जाएगा, ठीक है, ये होता है आपका। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जब भी आपको किसी रेक्टेंगल में आप मिड पॉइंट से सब सारी भुजाओं के मिड पॉइंट को आपस में ऐड कर देंगे और विकर्ण को निकालेंगे, तो ये क्या होगा, ए वाली लेंथ क्या होगी, ए वाली लेंथ एसी है, एसी की क्या होगी, आधी हो जाएगी एसआर, क्यों, क्योंकि हमने मिड पॉइंट्स को ऐड किया है, मिड पॉइंट को हमने ऐड किया है, पूरी लाइन ए क्या होगी, इस पॉइंट के लिए हम ओ मान रहे हैं इस वाले पॉइंट्स को, तो एसी इस वाले पॉइंट से एसी को दो बराबर भागों में बांटेगी कि नहीं बांटेगी, और ये आपस में मिड पॉइंट है तो ए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एसआर क्या होगा आपका, एसआर और पीक्यू आपका एसी का आधा होगा कि नहीं होगा, यानी कि एसआर की वैल्यू आपकी क्या हो गई, एसी अपॉन टू, एसआर हो गया आपका एसी अपॉन टू, इसी तरीके से आपका पीक्यू भी हो जाएगा क्या, एसी अपॉन टू, ए भी हो गया आपका एसी बटे दो। सेम आप देखेंगे इस साइड, देखेंगे जब आप इस साइड देखेंगे तो ऐसे सेम क्यू आर आपका डायगोनल बीसी से रिलेटेड है, बीडी से रिलेटेड है, ये क्या होगा आपका, ये वाला आपका हो जाएगा बीडी अपॉन टू, सेम आपका इस साइड हो जाएगा बीडी अपॉन टू, ये वाली लेंथ। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ रही हो तो क्लास को थम्सअप करते ही जाइए जल्दी से, जो मैं बताना हूँ ध्यान से सुनिए। अब देखिए मैंने क्या क्या लिख दिया है आपको, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी डी, एक क्या है ए बी सी डी आपका एक आयत है, ए बी सी डी आपका एक आयत है, पी क्यू आर एस आयत है, तथा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आपके क्या है, पी क्यू आर एस भुजाओं, पी क्यू आर एस क्रमशः, पी क्यू आर एस क्रमशः इसके ए बी बी सी सी डी एवं डी ए के क्या है, मिड पॉइंट है, डी ए के क्या है, मिड पॉइंट्स।
इतनी बात समझ में आ गई? जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया वही मैं दिख रहा हूँ आपको, सारे दिख रहे हैं नोट्स आपको बनाना है इसी तरीके से। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि बी डी बराबर तो हमारा ए सी होता है, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं रेक्टेंगल के, दोनों के रेक्टेंगल बराबर होंगे तो इनके ए सी अपॉइंट टू बी सी अपॉइंट टू हो गया। जब ए सी अपॉइंट टू बी सी अपॉइंट टू होगा सारे एंगल्स, तो आपका जो पी क्यू आर बनेगा ना, आपका चतुर्भुज जो पी क्यू आर होगा, देखिए यहाँ से आपका बी सी अपॉइंट टू बी सी अपॉइंट टू सॉरी ए सी अपॉइंट टू आपका बी डी अपॉइंट टू, ये आपस में बराबर होंगे इनके आधे आधे, तो ये क्या होगा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या होगा आपस में पी क्यू आर एस क्या होगा बताइए जल्दी से, यदि आप समझ गए हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पी क्यू आर एस क्या होगा, पी क्यू आर एस आपका एक चतुर्भुज होगा, पी क्यू आर एस क्या होगा आपका चतुर्भुज, पी क्यू आर एस आपका चतुर्भुज होगा। ध्यान रहे आपका वर्ग नहीं होगा, नहीं तो आपको लगे कि वर्ग होगा, वर्ग बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा क्या 90 डिग्री के एंगल्स हैं आपस में काट रहे हैं, तो आप इसको क्या कर देंगे वर्ग बना देंगे। पी क्यू आर एस की साइड्स तो इक्वल रहेंगी, पी क्यू आर एस का आपका समचतुर्भुज तो रहेगा, लेकिन इनके बीच में जो एंगल है ना ये आपका 90 डिग्री नहीं बन रहा है, और जब ये 90 डिग्री नहीं बनेगा तो आपका पी क्यू आर एस आपका स्क्वायर नहीं होगा, पी क्यू आर एस आपका क्या होगा एक चतुर्भुज होगा, आपका क्या होगा क्वाड्रिलेटरल होगा। समझ में आ गई है जल्दी से, समझ में आ गई हो तो जल्दी से क्लास को थम्सअप कर दीजिए फटाफट से, आगे बढ़े इसके बाद आगे बढ़े। चलिए अब क्या है अगली प्रॉपर्टी है इसकी, अगली प्रॉपर्टी में क्या है, एक रेक्टेंगल है आपका, हो गया आपका रेक्टेंगल। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, इसके एंगल बाई सेक्टर निकाले, इसके क्या निकाले एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर क्या होते हैं, चारों एंगल्स के पर आपका है एंगल, एंगल सॉरी आपका है ए बी सी और डी, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। फिर हमने क्या किया इनकी, इसका एंगल बाई सेक्टर दिया, इसका एंगल बाई सेक्टर इधर आएगा, ये हो गया एंगल बाई सेक्टर। फिर क्या किया, एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर दिया, एंगल बी का बाई सेक्टर दिया, थोड़ा आपस में क्या मिलेगा, ये क्या है आपस में एंगल बाई सेक्टर है, ये क्या है एंगल बाई सेक्टर। अब देखिए सेम हम ऊपर से निकाल देंगे, यानी कि सी और डी के भी एंगल बाई सेक्टर देंगे, जब हम इनके एंगल बाई सेक्टर देंगे तो ये क्या होंगे, ये इधर कहीं मिलेंगे, ये आपके इधर कहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जल्दी से बताइए। इसका हमने एंगल बाई सेक्टर दे दिया, एक आपका इसका एंगल बाई सेक्टर दे दिया, ये क्या करेंगे ये आपके मिलेगा इस पॉइंट पर। चलिए अब देखिए ये क्या है एंगल बाई सेक्टर, जहाँ पे इसको पॉइंट को मान लिया हमने पी, इसको मान लिया क्यू, इसको मान लिया हमने आर, पॉइंट को मान लिया हमने एस। अब देखिए पी क्यू आर एस क्या है आपके, पी क्यू आर एस का हमें नहीं पता है क्या है, यहाँ पे आपका ए बी सी डी ए बी सी डी एक क्या है आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, और आप लिखेंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस चतुर्भुज पी क्यू आर एस एंगल ए बी सी डी के एंगल बाई सेक्टर से बना हुआ चतुर्भुज है। तो देखिए जब एंगल बाई सेक्टर होंगे तो ये आपस में पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये आपस में क्या होंगे 45 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, सारे एंगल 45 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपस में एंगल बाई सेक्टर है। अब देखिए जब ये आपस में एंगल बाई सेक्टर होंगे, ए वाला एंगल 45 हो गया, ए वाला एंगल 45 हो गया, और से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ए वाला एंगल 45 हो गया, ए वाला एंगल 45 होगा, तो ए वाला एंगल क्या हो जाएगा ट्राइंगल, आप देखेंगे यदि ए क्यू डी में देखेंगे ट्राइंगल के दो कोण 45 हो गए, इस वाले एंगल को मजबूरी में आपका क्या 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, दो कोण आपके 45 हो गए, तो तीसरा कोण आपका 90 डिग्री हुआ। सेम सिचुएशन आपकी पता है इस साइड बनेगी, यानी कि ए वाला भी आपका 90 डिग्री होगा, जब ए वाला आपका 90 डिग्री होगा तो ए भी आपस में क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, और इनकी लेंथ आपस में बराबर होगी तो ये भी क्या होंगे आपस में 90 डिग्री होंगे, और 90 डिग्री होंगे तो आपस में क्या होगी इनकी लेंथ है
लेंथ भी इनकी इक्वल रहने वाली है क्योंकि एंगल वाइज सेक्टर से बन रहे हैं, तो आपका जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस होगा, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या होगा, एक आपका वर्ग होगा। पी क्यू आर एस क्या होगा, आपका एक वर्ग होगा। यहाँ पे आप एक पॉइंट और भी देखेंगे क्या, ए पी, ए पी बी पी सी आर और डी आर आपके क्या है, एंगल बाई सेक्टर, क्या है एंगल बाई सेक्टर। समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो लाइक कीजिए फटाफट से क्लास को जल्दी से, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को, आगे बढ़ें। आपको बताना है क्या ये आपकी कंडीशन है, तो ये आपका रिजल्ट निकला है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना यहाँ पे, जैसे इसमें आपका रिजल्ट क्या निकला कि पी क्यू आर एस, क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा कि किसी भी रेक्टेंगल में उसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो आपका चतुर्भुज बनेगा वो कैसा रहेगा, तो आपको पता रहेगा वो वर्ग नहीं होगा चतुर्भुज होगा। ऐसे ही आपके किसी भी एंगल ट्राइंगल के एंगल वाइज सेक्टर से बने हुए चतुर्भुज आपका क्या स्क्वायर होगा। अब आगे चलते हैं, आगे है आपका, अब रेक्टेंगल आपका खत्म हो गया, अब देखेंगे हम स्क्वायर, इसका देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है आपका वर्ग, अब है आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार आप, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगल की परिभाषा यानी कि आपकी आयत की परिभाषा क्या हुई कि आप आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर एवं समांतर होती हैं एवं उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। लेकिन वर्ग में आपका थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या आएगा, आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने की भुजा नहीं, चारों भुजाएं बराबर एवं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, क्या क्या जाता है वर्ग क्या जाता है, यह लिख लीजिए वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर तथा आमने तथा आमने एवं सामने, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या समांतर, आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा इनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। वर्ग क्या है आपका, वर्ग में आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और भुजाएं आपस में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं एवं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यह है आपका क्या वृत्त, सॉरी आपका ये क्या है आपका, यह है आपका स्क्वायर, ए बी सी एवं डी, ये क्या है, इसमें 90 डिग्री का एंगल रहेगा चारों, 90 डिग्री के एंगल, ये भुजाएं आपस में क्या होंगी सारी की सारी बराबर होंगी, आपस में भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी एवं एक दूसरे के समांतर होगी और इनके बीच में एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें जल्दी से। चलिए अब सेम वही सेम यहाँ पे देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, एक आपका क्या है स्क्वायर दे दिया हमने, ये आपका है क्या स्क्वायर, ए बी सी डी, ए बी सी डी आपका क्या है वर्ग है, इसकी मैंने भुजा मान ली क्या ए, इसकी भुजा मान ली मैंने एक, कोई भी एक भुजा मान ली, जब ए होगी तो चार ही भुजाएं बराबर हैं, तो यानी कि ए भी ए हो गई, ए भी ए हो गई और ए भी आपकी ए हो गई। अब देख लेंगे इसके जो फॉर्मूले होंगे क्या, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले कौन सा आएगा आपका एरिया, एरिया वर्ग का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया में हमें क्या पढ़ा था लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, सेम यहीं पे लगाएंगे, यहाँ पे क्या है लंबाई ए है चौड़ाई ए है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए इंटू ए यानी कि साइड्स का स्क्वायर, या आप इसको रखेंगे एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यहाँ पे हम साइड ए मानिए, यहाँ पे एरिया होगा ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है,
पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग चतुर्भुज की यानी कि स्क्वायर की चारों भुजाओं का योग। एक भुजा ए है तो चारों भुजाएं क्या होगी? 4 into a यानी कि चतुर्भुज होता है आपका 4a या 4 गुणे भुजा। इसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर तो हो गया आपका। इसके बाद है आपका क्या? विकर्ण। विकर्ण बताने से पहले विकर्ण पहले ड्रॉ भी तो कर दें आपको। यह है क्या? विकर्ण। ये क्या है? विकर्ण। इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है आपका अंडर रूट ए, रूट टू ए। रूट टू ए क्या होता है? इसका डायगोनल होता है। यानी कि इस वाला जो आपका विकर्ण है ये क्या रहता है आपका? अंडर रूट टू ए। तो आप निकाल भी सकते हैं, ए वाली भुजा ए है, ए ए है, बीच का कोण 90 डिग्री है, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो अंडर रूट टू ए इसका क्या आ जाएगा? डायगोनल आ जाएगा। किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का डायगोनल आ गया। इतनी बात समझ में आ गई तो अब इसकी जो मूल प्रॉपर्टी है जिसमें आपको दिक्कत होने वाली वो बताऊं मैं आपको। देखिए अब देखेंगे ये हो गया आपका स्क्वायर, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी एवं डी। ए बी सी डी आपका क्या है? ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है। इसके बाद सेम सिचुएशन यहाँ पे करेंगे, जो जो पॉइंट वहाँ पे किए ना मेरा प्रॉपर्टी में, अब क्या करेंगे इनके मिड पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, आपस में इनके क्या मिड पॉइंट आपस में मिलाएंगे। इसके मिड पॉइंट मिला दिए चारों भुजाओं से, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। इसका मिड पॉइंट इधर हो गया, इसको मिला दिया, फिर इधर से लिया के मिड पॉइंट को इधर मिला दिया, फिर लास्ट में आपको इसको मिला दिया, इसको आपस में मिला दिया। ये क्या हो गए? ये सारे आपके मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। इसको मान लिया हमने पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या हो गए आपके मिड पॉइंट्स को मिलाने से आपका ये क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे आप चतुर्भुज ए बी सी डी एक स्क्वायर है, एक क्या है? स्क्वायर है। और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट। पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट है आपके साइड्स के। तो आपको बताना है कि हमारा जो पी क्यू आर एस क्या होगा उसको पहले समझिए। देखिए ये वाला एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा और ये क्या है? मिड पॉइंट है। इन सबके मिड पॉइंट ही तो मिल रहा है। ये सारी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। सारी भुजाएं आपस में बराबर है क्योंकि पहले तो स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती है, हमने उनके मिड पॉइंट्स को ले दिया, ये भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। आपके ये वाला एंगल 90 हो गया, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होंगे और उनका योग क्या है? 90। तो यानी कि दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए? 45 डिग्री के हो गए। सेम सिचुएशन आपकी इधर बनेगी, ये वाला भी एंगल आपका 45 का हो जाएगा, ये वाला एंगल भी आपका 45 का हो जाएगा क्योंकि ये वाला आपका 90 डिग्री है। चारों में आपका इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या होगा? देखिए मैंने क्या बताया, स्ट्रेट एंगल में स्ट्रेट एंगल आपका कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपका 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया, ये आपस में क्या होंगे? 90 डिग्री पे होगा। सेम आपकी सारी यानी कि चारों कोने आपके क्या 90 डिग्री पे कटने वाले हैं, यानी कि सारे के सारे आप इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इतनी समझ में आ रही हो तो क्लास को थम्सअप कर दीजिए जल्दी से। जब देखिए ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, पी क्यू क्यू आर और एस आर, क्योंकि क्या है इनकी मिड पॉइंट से मिलाने वाली तो रेखा है। ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो आपका चतुर्भुज जो पी क्यू आर एस है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या होगा? पी क्यू आर एस भी, पी क्यू आर एस भी एक वर्ग होगा।
पी क्यू आर एस भी आपका क्या होगा, एक वर्ग होगा। समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? जब इनके बीच का एंगल क्या 90 डिग्री आ गया, साइड्स आपस में क्या इक्वल हैं, तो ये क्या होगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस भी आपका एक 90, आपका पी क्यू आर एस भी आपका क्या होगा, एक वर्ग होगा। समझ में आ गई है? समझ में आ गई तो क्लास को लाइक करिए फटाफट से जल्दी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है आपका? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। आगे देखें, आगे चलें। आगे आपका रोम्बस। रोम्बस क्या होता है आपका? समचतुर्भुज। रोम्बस क्या होता है आपका? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज इसको हम बोलते हैं रोम्बस। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चतुर्भुज की समचतुर्भुज में चारों भुजाएं, देखिए नाम में लिखा है सम, समचतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, लेकिन उनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। परिभाषा आप लिख देंगे, मैंने क्या बता दिया परिभाषा, अपन यहां से लिखेंगे। जो परिभाषा मैं लिखा चुका हूं इसी के बेसिस पे आप लिखेंगे। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर यानी कि चारों भुजाएं पहली बार बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, लेकिन उनके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ये बात आपको समझनी है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। और समचतुर्भुज आपका होता है क्या? ये होता है आपका समचतुर्भुज इस तरीके से। ये है आपका समचतुर्भुज, इसको नाम दे दिया ए बी सी एवं डी। इसमें क्या होगा? ये भुजाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी और चारों आपस में क्या होंगी? बराबर भी होंगे, क्योंकि ये क्या है? समचतुर्भुज है आपका, राइट सॉरी आपका रोम्बस है। क्या है? रोम्बस है। अब आगे बढ़े, इसकी प्रॉपर्टी देखें, इसकी प्रॉपर्टी देखें क्या रहने वाली है इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहले इसका क्या देखें हम, वही पहले आपके इसकी एरिया वगैरह निकाल देंगे। यह है आपका समचतुर्भुज, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी एवं डी, ए बी सी डी। फिर क्या किया इनके हमने डायगोनल निकाल दिए। इसके हमने डायगोनल बना दिए। अब देखिए ए सी, देखिए यहां पर देखेंगे आप ए बी सी डी एक क्या है? समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। फिर ए सी एवं बी डी क्या है? विकर्ण है। देखिए आप देखिए मैंने क्या बताया, रेक्टेंगल यानी कि आयत में और वर्ग में तो आपके क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें तो डायग्राम से ही दिख रहा होगा इनके विकर्ण कभी बराबर होंगे नहीं। ये वाला आपको छोटा विकर्ण दिख रहा है, ये क्या आपको बड़ा विकर्ण दिख रहा है, यानी कि आपके जो विकर्ण होंगे यानी कि ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, लेकिन विकर्ण क्या आपस में बराबर नहीं होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लाइक कीजिए जल्दी से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, AD है ना आपका AC, AC की मैंने लेंथ मान ली D1, AC की लेंथ मान ली मैंने क्या D1, इसको मैंने D1 बोल दिया और इसको मान लिया मैंने D2, BD विकर्ण हो गया आपका D2, यानी कि AC को मान लिया मैंने D1 और BD को मान लिया मैंने D2। अब आगे देखें, इसको बिगाड़ देते हैं एक बार, इधर लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है आपका AC बराबर D1 एंड BD बराबर हो गया आपका D2, BD बराबर D2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक क्या निकालेंगे, ये देखिए ये क्या है, ये मैंने इस पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ये क्या डाल दिया मैंने, लंब परपेंडिकुलर पॉइंट मान लिया मैंने क्या P, ये CP आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि इसको मान लिया मैंने लंब और इसकी लेंथ मान ली मैंने H, यानी कि CP आपका क्या, परपेंडिकुलर है, जिसकी लेंथ क्या है आपकी H है। तो AD
सॉरी ए सी आपका बिकाण है, ए सी और बी डी बिकाण है जिनको हमने डी वन और डी टू माना। इसके बाद एच क्या है, एच सामने वाली भुजा से यानी कि ऊपर वाले सीट से नीचे वाली भुजा पे क्या डाला हमने, परपेंडिकुलर डाला, यानी कि एच एरिया क्या होता है, जो एरिया होता है रोमबस का वो होता है वन अपॉन टू इंटू बिकाणों का गुणनफल। बिकाण मैंने क्या माने, डी वन इंटू डी टू बिकाण होते हैं आपके, सॉरी एरिया क्या हो गया, एक बटे दो इंटू बिकाणों का गुणनफल। या जब आपको दोनों बिकाण दिए गए हों तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए क्या होगा, एक बिकाण दिया हो और आपको हाइट दी हो तो क्या लगाएंगे आप, वन बाई टू, आपको एक साइड दी है, साइड क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, इसकी भुजा मैंने ए मान ली तो चारों भुजाएं क्या ए हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है समचतुर्भुज है। तो इसका फॉर्मूला या तो आप एरिया का होता है वन बाई टू इंटू बिकाणों का गुणनफल या ए इंटू एच, ए क्या है, ए आपकी भुजा है और एच क्या है, एच इसकी हाइट है, या यूं कहें एच आपका परपेंडिकुलर है जिसको हम हाइट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी एच है। एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, वन बाई टू डी वन इंटू डी टू आपका बिकाणों का गुणनफल या ए इंटू एच यानी कि भुजा गुणा ऊंचाई। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई हो तो जल्दी से लाइक कीजिए। अब देखिए आगे क्या है, इसी ट्रैंक इसी में देखेंगे आप, ये देखिए आपस में जो समचतुर्भुज होता है ना, समचतुर्भुज के जो बिकर्ण होते हैं आपस में हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। समचतुर्भुज के जो बिकर्ण होंगे इसको आप पॉइंट बना के दिख देंगे, समचतुर्भुज के बिकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, यहाँ पॉइंट बना के लिखिए, यहाँ पे लिखिए समकोण, सॉरी समचतुर्भुज के बिकर्ण आपस में 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। अब देखिए 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और ये क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया, आपस में ये बराबर नहीं है लेकिन जिस पॉइंट पर ये काट रहे हैं उसके बाद तो इनकी लेंथ तो आधी आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे बी डी आपका डी टू है, बी डी की लेंथ मैंने डी टू मानी तो यदि इस पॉइंट को मैंने ओ मान लूँ तो बी ओ की वैल्यू आपकी डी टू अपॉन टू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और आपकी ए ओ की वैल्यू इसकी आधी हो जाएगी, डी वन अपॉन टू हो जाएगी। और ये क्या है आपस में, ये है आपका 90 डिग्री, तो यानी कि ट्राइंगल, इसको देखेंगे आप, इसको एक बार इसको देखिए, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ओ ए बी को देखिए, ट्राइंगल ओ ए बी ये क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और आपका ए आपका 90 डिग्री है, तो इसमें आपका एक बेस हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगी, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। और इसमें जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपनी, जब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, डी वन स्क्वायर अपॉन टू, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, डी वन स्क्वायर अपॉन फोर प्लस डी टू स्क्वायर अपॉन फोर बराबर क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या दिया यहाँ पे, ए दिया है यानी कि ए का स्क्वायर। तो डी वन वन बाई फोर यहाँ से कॉमन लेंगे, वन बाई फोर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या निकला, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर, समझ में आ गई, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला क्या, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से आगे बढ़िए। अब आगे क्या है, यदि आपको एक क्या दे दिया, एक आपको रोम्बस दे दिया, छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये आपको क्या दे दिया, रोम्बस दे दिया जिसकी साइड्स क्या है ए ए ए, और इसमें क्या कर दे, एक एंगल आपको दे दिया थीटा, कोई भी एक एंगल आपको क्या दे दिया, थीटा एंगल आपको दे दिया। और ट्रायंगल आपका रेक्टेंगल क्या होगा, आपका एक रेक्टेंगल दे दिया जिसकी साइड्स ए है और एक एंगल आपको थीटा दिया गया है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, इसका एरिया हो जाए आपका ए स्क्वायर साइन थीटा, एरिया होता है इसका ए स्क्वायर साइन थीटा, इसको लिख लीजिए एक पॉइंट बना के, छोटा सा पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब रोम्बस चल रहा है आपका, रोम्बस में अगली प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी देखेंगे अब, चलिए ये हो गया आपका रोम्बस।
देखिए आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करें, यदि आप कमेंट नहीं करें तो पढ़ाने में मजा कैसे आएगा। जल्दी से फटाफट से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। अभी तक आपके लाइक बिल्कुल भी नहीं आया है। ये आपका हो गया ए बी सी और डी। ए बी सी डी आपका क्या है? ए बी सी डी आपका एक रोम्बस है, यानी कि समचतुर्भुज है। इसमें आपकी ए बी सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। फिर इनमें क्या कर दिया मैंने, इनके डायगोनल निकाल दिए। क्या बना दिए? डायगोनल ए सी एवं बी डी। ए सी और बी डी क्या हो गए? डायगोनल हो गए। अब देखिए यहां पे समझना मैं क्या कह रहा हूं। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इतनी बात समझ में आ गई। एवं ए सी और बी डी, ए सी और बी डी क्या है? विकर्ण है। यहां पे आपकी ए बी बी सी सी डी डी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और आपकी आपस में भुजाएं क्या होती हैं? एक भुजाएं क्या होती हैं? आपस में समांतर भी होती हैं, यानी कि आपकी ए बी समांतर होगी किसके? डी सी के। एंड ए डी, ए डी, ए डी समांतर होगी किसके? बी सी के। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? आपका एक यदि समचतुर्भुज है तो इसकी जयंत आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और इनके विकर्ण, सॉरी, और इनकी आप आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। समझ में आ गया। अब एक पॉइंट देखिए, जो मैंने आपको बताया सारे पॉइंट्स यहां पे एक एक करके देखते आ रहा हूं मैं। समचतुर्भुज में समचतुर्भुज के विकर्ण, यानी कि इसके विकर्ण यहां पे इसके की जगह आप क्या देखेंगे? समचतुर्भुज, क्योंकि समचतुर्भुज की बात चली है। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। देखिए इनका एंगल बीच में क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, आपस में क्या 90 डिग्री पर काटते हैं। तथा क्या होता है? ए आपकी आपस में क्या होती है? एंगल बाई सेक्टर भी होते हैं। ए क्या होते हैं? आपके एंगल बाई सेक्टर भी होते हैं। एंगल बाई सेक्टर होते हैं। क्या बताया मैंने? इसके विकर्ण आपस में क्या 90 डिग्री की एंगल पर काटते हैं और एंगल बाइसेक्टर होते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि इनके आपस में क्या बराबर नहीं होते हैं। वो तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको डायग्राम में, यानी कि ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। इतना पॉइंट समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताइए। अभी तक आपको कोई समस्या आ रही हो तो बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसको मिटा दें। अब मैं क्या बताने वाला हूं, एक पॉइंट और लिख दीजिए यहीं पे, यदि बन जाता है तो। एक पॉइंट आपका ये हो गया, इधर लिख दीजिए कि इनके अपोजिट एंगल समचतुर्भुज में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब क्या हो गया? अपोजिट यानी कि विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण बराबर होते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? यानी कि विपरीत कोण क्या होते हैं? ये वाला एंगल, यानी कि यदि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ये एंगल आपस में क्या बराबर होते हैं? कौन से? अपोजिट एंगल, या यूं कहें विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ गई? समझ में आ गई हो तो जल्दी से आगे बढ़े। चलिए अब मैंने क्या बताया बताइए जल्दी से। बात समझ में आ गई तो पूछिए, आप कोई समस्या हो तो बताइए। अब देखिए,
आगे मैंने क्या बताया, फिर से डायग्राम इसी को बनाएंगे, इसे कॉपी कर लें क्या? चलो आगे बना देते हैं, ठीक है। इधर इसको बना लिया, ये क्या बन गया आपका समचतुर्भुज ए बी सी डी, ए इसके एंगल हो गए, ये क्या हो गया इसके डायगोनल, तो होगा इसके डायगोनल। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए AC और BD डायगोनल है, AC और BD जब भी आपके डायगोनल होंगे, मैंने क्या बताया अभी पिछली बार, हमने क्या पीछे क्या पढ़ा, इनके एंगल क्या होते हैं आपस में 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने वो जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं आपस में कट कर रहे हैं, और इनके क्या होते हैं एंगल अपोजिट एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आपका जो ट्राइंगल AOB होगा ना, यहाँ पे जो ट्राइंगल्स होते हैं ये वाले, तो देखिए जो ये ट्राइंगल होंगे, जैसे ये वाला एंगल हो गया, फिर आपका ए एंगल हो गया, इस तरीके से जितने भी आपके चार एंगल बन रहे हैं ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्यों समचतुर्भुज है, और ये आपके एंगल वाइज सेक्टर है, एंगल वाइज सेक्टर से बन रहे हैं, तो ये एंगल आपके जब 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो सारे जो ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे आपका ए ओ बी हो गया, बी ओ सी हो गया, डी ओ सी हो गया, आपका ए ओ डी हो गया, तो सारे के सारे ट्राइंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी ए ओ बी, फिर ट्राइंगल ओ डी, ट्राइंगल डी ओ ए, आपस में क्या होते हैं इनके एरिया आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। जब इनके एरिया आपस में बराबर होंगे और आपसे पूछ लेगा बड़े वाले एरिया का, बड़ा वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल, कोई सा भी एंगल दे दो, हमने दे दिया ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया, इसका क्या चार गुना कर देंगे, इसका फोर टाइम्स कर देंगे तो हमारा ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका जब हम फोर टाइम्स कर देंगे तो हमारा ए बी सी का एरिया आ जाएगा, आ गया जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी इसका क्या करेंगे आपके चतुर्भुज का एरिया का क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंग चतुर्भुज ए बी सी डी। समझ में आ गई इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और थम्सअप कर दीजिए फटाफट से, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे क्या है आप अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। अगली प्रॉपर्टी है एक आपका क्या है ये रोम्बस हो गया समचतुर्भुज आपका ए बी ये आपका समचतुर्भुज हो गया सेम जो हमने आपके स्क्वायर और आपके रेक्टेंगल में थ्योरम पढ़ी थी वही पढ़ेंगे। अब इसमें क्या करेंगे इसके मिड पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे, इसके मिड पॉइंट को जब मिलाएंगे इसका मिड पॉइंट ए हो गया आपस में तो ये बराबर ही है ना इनकी लेंथ सारी साइड्स क्योंकि ये समचतुर्भुज है, इनको हमने क्या कर दिया आपस में मिला दिया सबके मिड पॉइंट्स को सबके मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया। देखिए फिर ये हो गया आपका लास्ट एबीसीडी आपका समचतुर्भुज है, ये हो गया आपका पी क्यू आर एस। अब आपको इस पर डिस्कशन करना है कि हमारा क्या रहने वाला है। जब इसमें आप देखेंगे PQ ABCD हमारा क्या है एक समचतुर्भुज है एवं
पी क्यू आर एस मैंने क्या बताया आपको, पी क्यू आर एस भुजाओं के मिड पॉइंट्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब इसमें आप देखेंगे मैंने क्या बताया था, इनके जो एंगल बाई सेक्टर सॉरी इनके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, एंगल बाई सेक्टर होते हैं। यदि हम इनके डायगोनल को आपस में मिला दें, यदि हम इसके डायगोनल निकाल दें, क्योंकि क्या इस तरीके से हैं दोनों डायगोनल, इसके हम खींच लेते हैं डायगोनल, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स मैंने आपको क्या बताया, डायगोनल्स आपस में एंगल को, इस चतुर्भुज को एंगल को एंगल बाई सेक्टर करते हैं। एंगल बाई सेक्टर करेंगे, इसमें हमने एक पता है, यहाँ पे लिखते जाइए आप फटाफट से, ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज, ए बी सी डी समचतुर्भुज है, फिर पी क्यू आर एस क्या है आपके मिड पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर एस आपके क्या है मिड पॉइंट्स हैं, ए सी और बी डी आपके डायगोनल है, ए सी और बी डी डायगोनल। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक एंगल को मान लीजिए, कोई सा भी एंगल मान लीजिए, जिससे कि क्या हो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में होने क्या वाला है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बात किस चीज़ की होने वाली है और किस चीज़ की नहीं होने वाली है। अब जैसे मैंने क्या किया, एंगल ए, एंगल ए जो है इसको मैंने क्या कर दिया, एंगल ए को मैंने मान लिया 60, एंगल ए को मान लिया मैंने 60 डिग्री। आप समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, जब एंगल ए को मैंने 60 डिग्री मान लिया, आप जरा देखेंगे एंगल ए हो गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 30 हो गया तो ये भी 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपस में एंगल बाई सेक्टर है, डायगोनल क्या करता है एंगल बाई सेक्ट करता है दोनों को, तो एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी एवं एंगल आपका बी ए सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि डी ए सी बराबर बी ए सी, ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है एंगल बाई सेक्टर है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ए प्लस डी क्या हो जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी आपको पता है क्या होना पड़ेगा, इसको इसका मान हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। क्यों, क्यों होगा, अब उसको समझिए, एंगल ए प्लस एंगल डी आपका 180 डिग्री कैसे होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये आपका 30 डिग्री का सेम सिचुएशन आपकी इधर बनेगी, सेम सिचुएशन आपकी इधर बनेगी, इधर इधर, क्योंकि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। जब ए वाला 30, ए वाला पूरा 60 है, तो ए वाला 60 हो जाएगा पूरा, जब ए वाला 60 है, ए वाला 60 आपस में बराबर होते हैं, तो 60 और 60 कितना हो गया, 120 हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है, पता होगा आपको चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है, ए वाला 60 हो गया, ए वाला 60 हो गया, 120 हो गया, तो बचा कितना, बचा कितना बताइए जल्दी से, बचा कितना, 240, 240 बचा, तो एंगल डी आपका पूरा क्या होगा, एंगल डी आपका 240 होगा कि नहीं होगा, एंगल डी और एंगल बी आपस में क्या होंगे, 240 डिग्री। एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और डी 180 कैसे आ गया आपका, ए वाला एंगल 240, एंगल ए एंगल डी आपस में क्या होंगे, 240 तो पूरा होगा ना, तो ये कितना बचेगा, 120 बचेगा ना आपका, 120, ए वाला एंगल 120 हो गया, फिर आपका ए वाला एंगल 120 हो गया, और आप एंगल ए प्लस डी निकालेंगे तो एंगल ए आपका कितना है 30 डिग्री, फिर ए है आपका 120 डिग्री, जो कि आपका कितना आ गया 180 डिग्री। तो इसमें क्या हो गया, आमने सामने के एंगल अपोजिट, अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्या देखेंगे आप इसमें, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एवं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि यह क्या, या
संगत कोण या आपस में आमने सामने की कोण, यानी कि आपकी जो संगत कोण है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एवं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एवं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम या योग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो क्लास को थम्सअप कर दीजिए जल्दी से। अब आगे देखें, आगे क्या बताने वाला था मैं, देखिए जब ए वाला एंगल, अब देखिए गौर से देखना मैं क्या बताने वाला हूँ, फिर से जब ए वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, देख ए वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, एंगल बाई सेक्टर, ए वाला एंगल पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, पूरा एंगल 180 डिग्री है, ये एंगल बाई सेक्टर है, तो ए वाला एंगल 60 होगा कि नहीं होगा। जब ए वाला एंगल 60 हो गया, ए वाला एंगल 30 हो गया, ए वाला एंगल भी 60 हो जाएगा और ए एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ए वाला एंगल 30 डिग्री हो गया तो ए वाला एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री। सेम सिचुएशन आपकी इधर बनेगी, यानी कि जब चतुर्भुज के मिड पॉइंट्स को हम मिलाकर कोई चतुर्भुज बनाते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि पी क्यू आर एस आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस 90 डिग्री है, साइड्स इनकी इक्वल है, तो पी क्यू आर एस एक क्या होगा वर्ग होगा, पी क्यू आर एस आपका एक वर्ग होगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को थम्सअप कर दीजिए फटाफट से। क्या इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन पता है आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मैंने कर दी और आप लोग हो भी गए हैं। यदि आपने मेरी बात पकड़ दी तो समझ लिया कि आपने अच्छे से समझ रहे हैं, और यदि आप नहीं पकड़ पाए तो समझ लीजिए कि आपका क्लास में ध्यान ही नहीं है। मैंने जो ए वाली लाइन देखी है ना, पी क्यू आर एस वाली, इसी में मैंने आपको घुमा दिया, अब आप पकड़िए मैंने कहाँ पर घुमाया आपको, ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ अभी आपको, ट्राई कीजिए एक बार कि मैंने क्या बताया इसमें, बताइए जल्दी से बताइए। देखिए मैंने क्या बताया आपको, अब जब डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स सेम नहीं है, डायगोनल्स तो मैंने क्या, इनके जो चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण तो आपस में बराबर नहीं होते, यानी कि आपकी ए सी बी डी के बराबर नहीं है। जब ए सी बी डी के बराबर नहीं है तो इनकी जो मिड पॉइंट्स को मिलाएगी ये आपस में इक्वल कैसे हो गई, वो तो जब था ना जब आपके स्क्वायर में मिला है या आपकी सब चतुर्भुज में, जब आप स्क्वायर या रेक्टेंगल मिला तब आपके विकर्ण बराबर होते हैं ना, बराबर काटते हैं, तो उनकी मिड पॉइंट को मिलाने के बाद वो आपकी क्या हो गई, बराबर साइड्स हो गई। जब इसके विकर्ण की लेंथ ही अलग अलग है तो इनमें क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होगी लेकिन चारों भुजाएं थोड़ी ना बराबर होगी, यानी कि आपके जब ए वाली लाइन निकालेंगे आपकी जो बी सी से बनेगी, बी सी से क्या आपकी एस पी बन रही है और इसके आर क्यू बन रही है, तो ए वाली लाइन तो आपस में बराबर हो जाएंगी लेकिन इसके बराबर थोड़ी ना हो जाएंगी, तो ए वाली लाइन इसके अकॉर्डिंग चलेंगी ए सी के अकॉर्डिंग, तो ए वाली क्या आपस में बराबर होंगी, ए वाली आपस में बराबर होगी, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री और आमने सामने की भुजाएं क्या समांतर तो है लेकिन बराबर नहीं है आपस में, सारी भुजाएं अलग अलग हैं, यानी कि इस वाली भुजा ए वाली भुजा आपस में क्या इक्वल नहीं है लेकिन पैरेलल है, इस वाली भुजा की ए पैरेलल है, इसकी वाली भुजा की ए पैरेलल है और इनके बीच का एंगल है कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया ना यहाँ पे ए बी सी डी आपका क्या होगा, पी क्यू आर एस आपका वर्ग होगा, वर्ग खींचे लिखेंगे आप क्या होगा आपका आयत होगा, क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। समझ में आ रही ना मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो ये थी आज की क्लास काफ़ी हैवी गई हो गई है, काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने इसमें, देखिए सारी चीज़ें आपको यदि समझ में नहीं आ गई तो फिर से देखिए एक बार, आप इधर से स्टार्ट किया है मैंने आपका, सबसे पहले क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन आपने देखी, फिर आपने रेक्टेंगल देखा, फिर आपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ देखी सारी की सारी, फिर हमने स्क्वायर देखा, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बाद हमने अपना रोम्बस स्टार्ट किया क्वाड्रिलेटर में, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में हमने इतनी सारी थ्योरम इसमें पढ़नी है, समचतुर्भुज की इतनी सारी थ्योरम हमने पढ़नी, यहाँ पे आपका कर दिया मैंने आज की क्लास खत्म। ये थी आज की क्लास, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी क्लासेस अभी तक आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो जाके पहले उनको देख लीजिए, सारी की सारी ज्योमेट्री आपको डिटेल्स में एकदम पढ़ाई गई है। चलिए मिलते हैं आपसे इसी के आगे, कल हम डिस्कशन करने वाले हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।